तो झटपट तैयार हो गया है संडे का ये नाश्ता। इनफैक्ट दिस कैन बी एनी टाइम स्नैक्स। जब भी आपको बनाने का मन करे इमिडिएट आप बना के इसे खा सकते हैं। इसमें कुछ पकाने की जरूरत नहीं पड़ती है। ये मैंने बनाया है रोस्टेड मूंगफली के साथ। तो अगर आप जानना चाहते हैं कि ये कैसे बनाया मैंने, तो देखते रहिए और अभी मैं आपको बताऊंगा कि ये कैसे फटाफट 10 मिनट में ये नाश्ता तैयार हो जाता है। नमस्कार दोस्तों, आज रविवार है और आज का नाश्ता मैं बनाने के लिए एकदम तैयार हूँ। आज के नाश्ते के लिए हम यूज़ करेंगे ये सारे चीज़ें। क्या हैं ये चीज़ें? ये है सॉल्टेड मूंगफली जो मैंने बाज़ार से ख़रीदा है, और इसके साथ हम यूज़ करेंगे एक गाजर, एक प्याज, एक टमाटर और दो हरी मिर्ची और ये धनिया पत्ता। इसका इस्तेमाल करके हम बनाएंगे फटाफट स्पाइसी टेस्टी नाश्ता। इसमें स्पाइसी करने के लिए मैं थोड़ा सा चाट पाउडर या आमचूर पाउडर डाल दूंगा इसमें, और पेपर पाउडर भी डाल सकते हैं। नमक इसमें ऑलरेडी है, इसलिए नमक ध्यान से डालना होगा कि ज़रूरत पड़ेगी तो डालेंगे। तो सबसे पहले क्या करना है कि सबसे पहले ये सारी चीज़ों को, सारी सब्जियों को छोटे छोटे स्लाइसेस में काट देना है। तो चलिए पहले मैं इनको कटिंग कर देता हूँ। तो ये मेरी सारी सब्जियां कट के तैयार हैं। ये देखिए, प्याज को मैंने बड़े माइन्यूट तरीके से काटा है, एकदम छोटे छोटे टुकड़े किए हैं। गाजर को मैंने ऐसे लंबे लंबे पतले पतले कर दिए हैं। धनिया पत्ता को मैंने सिर्फ पत्ता अलग किया है, इसको पत्ता को काटा नहीं है मैंने, ये ऐसे ही अच्छा लगता है ऊपर से अगर डेकोरेट करते हैं। टमाटर जो है इसको भी मैंने छोटे छोटे पीसेस में काट दिए हैं, और ये है हरी मिर्च, इसको भी मैंने छोटे छोटे पीसेस में काट दिए हैं। लगता ही नहीं है कि ये हरी मिर्च है। इसको मैंने एक ही लिया है क्योंकि मुझे लगा कि ये ज़्यादा हो जाएगा, क्योंकि मैं क्वांटिटी कम बना रहा हूँ, एक सिर्फ एक इंसान के लिए बना रहा हूँ। और ये देखिए, अभी हम शुरू करते हैं इसे बनाना। तो सबसे पहले मैं क्या करता हूँ, थोड़ा सा प्याज इसमें बेस में डालता हूँ, थोड़ा टमाटर डालता हूँ, थोड़ा गाजर डालता हूँ, थोड़ी सी हरी मिर्च डालता हूँ इस पे, ठीक है। फिर इस पे थोड़ा पेपर पाउडर छिड़क देते हैं हल्का सा। नमक तो वैसे ये सॉल्टेड मूंगफली में है, फिर थोड़ा सा ही डालेंगे इसमें, थोड़ा सा नमक डाल देते हैं। और इसके ऊपर मैं डालता हूँ मूंगफली। उसके बाद फिर हम ये सेकंड लेयर डाल देते हैं प्याज का, बाकी प्याज टमाटर गाजर हरी मिर्च सब इसमें अभी डाल देते हैं। धनिया पत्ता सिर्फ हम ऊपर से डालेंगे अलग से। ये मैंने डाल दिया, अब बाकी बची मूंगफली जो है इसके ऊपर डाल देते हैं। फिर थोड़ा और पेपर इसमें डाल देते हैं, हल्का सा नमक और डाल देते हैं, और चाट मसाला ऊपर से डालेंगे पर थोड़ा सा भी डाल देते हैं। और इसको अभी अच्छे से मिला लेते हैं। इस तरीके से चम्मच से इसे अच्छे से मिला लेते हैं। इसमें कुछ और भी डाला जा सकता है क्या? अगर आपको लगता है कि इसमें स्वाद बढ़ाने के लिए कुछ और डाला जा सकता है तो बताइएगा, ताकि अगली बार जब मैं बनाऊँ तो उसको इम्प्लीमेंट कर सकूँ। तो ये जो मैंने बनाया नाश्ता, इसमें मैंने गैस स्टोव का बिल्कुल भी यूज़ नहीं किया है। गैस पे मैंने कुछ भी पकाया नहीं है, सिर्फ बाज़ार से ये सॉल्टेड मूंगफली लाया था मैं, उसी को लेके मैंने बनाया है। तो ये नाश्ता ऐसा है कि जो कभी कुछ पकाने का मन नहीं करे, झटपट कुछ खाना हो स्नैकी टाइप का, तो ये इमिडिएटली बनाया जा सकता है। हल्की सी खुशबू आने लग गई है चाट मसाला की, और देखने में यमी लग रहा है। अब ये हो गया है, अभी ऊपर से थोड़ा चाट मसाला और डाल देते हैं। फिर जो धनिया पत्ता है इसको ऊपर से ऐसे डाल देते हैं।
अब ये हमारा नाश्ता तैयार है। चलिए इसे खा के बताता हूँ कैसा बना है ये। तो झटपट तैयार हो गया है संडे का ये नाश्ता। इनफैक्ट दिस कैन बी एनी टाइम स्नैक्स, जब भी आपको बनाने का मन करे इमिडिएट आप बना के इसे खा सकते हैं, इसमें कुछ पकाने की ज़रूरत नहीं पड़ती है। ये मैंने बनाया है रोस्टेड मूंगफली के साथ। इस डिश को बनाने के लिए एक बात ध्यान देने वाली ये है कि जो आपकी जो मूंगफली की जो क्वांटिटी है वो क्वांटिटी कंपेयर टू जो सारी सब्जियां आप डाल रहे हैं जैसे गाजर, प्याज, टमाटर, हरी मिर्च, उसके मुकाबले थोड़ी कम होनी चाहिए। आप मूंगफली ज़्यादा डाल देंगे और ये सब्जियां कम डाल देंगे तो पूरा टेस्ट जो है ना खाली मूंगफली का ही आएगा, और ये जो प्याज, टमाटर और गाजर जो आपने डाला है उसमें उसका स्वाद पूरी तरह से खो जाएगा। तो कंपैरेटिवली मूंगफली की क्वांटिटी कम रखिएगा और सब्जियों की क्वांटिटी मूंगफली से ज़्यादा रखिएगा, इससे ओवरऑल टेस्ट काफ़ी अच्छा हो जाता है और खाने में बड़ा मज़ा आता है। तो चलिए अभी मैं टेस्ट करके बताता हूं कि मेरा ये डिश कैसा बना है। क्वाइट गुड, थोड़ा सा हल्का स्पाइसी हो गया क्योंकि इसमें मैंने हरी मिर्च भी डाली है और चाट मसाला भी डाला है। टमाटर के कारण थोड़ा सा अच्छा खट्टा हुआ है, बट अगर आप चाहें तो आप इसमें नींबू भी निचोड़ सकते हैं, उससे और थोड़ा खट्टापन आ जाएगा, या तो आमचूर पाउडर डाल सकते हैं इसमें। खाने में बड़ा स्वादिष्ट लग रहा है। ये एक्चुअली मुंह का टेस्ट बदल देता है जब हम एक चीज खा के बोर हो जाते हैं, हमारा मन बोलता है, हमारा जीव बोलता है कि यार कुछ तो चटपटा खिलाओ मुझे। ये घर पे ही बन जाता है, ज़्यादा टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं पड़ती है, बाहर जाने की ज़रूरत नहीं है, घर पे ही आप एक्सपेरिमेंट करके इसे आसानी से बना सकते हो। अगर आपके पास रोस्टेड या सॉल्टेड मूंगफली नहीं है, नॉर्मल मूंगफली भी है, तो आप उस मूंगफली को बॉईल कर दीजिए और रोस्टेड मूंगफली की जगह आप वो बॉइल्ड मूंगफली भी यूज करके उसे बना सकते हैं, उसका अपना अलग ही फ्लेवर आता है। तो आशा करता हूँ आपको ये मेरा क्विक स्नैक पसंद आया होगा और आप ज़रूर ट्राई करिएगा इसे अपने घर में बनाने के लिए। इनफैक्ट आप अभी भी बना सकते हैं क्योंकि इसमें ज़्यादा वक्त लगता नहीं है। तो अगले वीडियो में फिर आपसे मुलाकात होगी एक नए डिश के साथ, तब तक के लिए खिलाओ पिलाओ, दोस्ती बढ़ाओ।